जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके बड़ौदा डिफेंस एकेडमी। तो साथियों, आज हम इंग्लिश के चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आपके एओसी की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम सिनोनिम करेंगे। कुछ थोड़ा थोड़ा करके हमें वीडियो डालते रहेंगे, तो आप लगातार देखते रहिए। ये मैं इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ, जो कि ज़्यादा आने के चांस है। बाकी पढ़ने को तो आप कितने पढ़ सकते हो, लेकिन हम इम्पोर्टेंट करेंगे। तो साथियों, चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का। टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरली, टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरली, इसका मतलब होता है स्वेच्छा से पद त्यागना। स्वेच्छा से पद त्यागना मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से पद का त्याग करना। तो इसको क्या कहते हैं? एब्डिकेट। स्वेच्छा से पद त्याग करना। दूसरा है हमारा फियर ऑफ बाथिंग। फियर ऑफ बाथिंग स्नान से डरना। स्नान से डरना। जहां पर फियर शब्द का प्रयोग हो जाए ना, वहां पे लास्ट में फोबिया शब्द जरूर आएगा। क्या आएगा? फोबिया। डरना शब्द आ गया तो लास्ट में फोबिया शब्द जरूर आएगा। उससे पहले किससे डरना है? बाथिंग। बाथिंग से डरना है तो एब्ल्यूटो आ जाएगा बाथिंग के लिए। एब्ल्यूटो, तो फियर ऑफ बाथिंग हो गया एब्ल्यूटो फोबिया। ठीक है, जहां पे फोबिया शब्द है, जहां पे डर शब्द आ गया ना, फियर शब्द, वहां पे फोबिया आएगा लास्ट में। हमारा नेक्स्ट टू डू अवे विद होली। पूरी तरह समाप्त करना। पूरी तरह समाप्त करना। समाप्त करना। पूरी तरह समाप्त करना, इसका हो जाएगा अबोलिश। अबोलिश पूरी तरह से समाप्त करना। नेक्स्ट है हमारा टू शॉर्टन इन साइज और लेंथ। संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, छोटा करना। छोटा करना, तो इसका क्या हो जाएगा? एवरेज। एवरेज को याद करें हम, एवरेज। एक ब्रिज है जो क्या करता है? दूरी को छोटा करता है। जैसे ये कोई नदी है तो इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, तो ये क्या करता है? छोटा करता है। अगर ये ब्रिज ना हो तो हमें ये नदी के इस पार से होकर आना पड़ेगा। तो ब्रिज का मतलब है छोटा करना या संक्षिप्त करना।
तो 200 टन इन साइज और लेंथ। नेक्स्ट है हमारा वन हू रन अवे, वन हू रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर, सीक्रेटली इन ऑर्डर टू टू अवॉइड अरेस्ट। जो कि कानून के पकड़ में आने से बचने के लिए भागने वाला, कानून की पकड़ में आने से भाग निकलने वाला, भाग निकलने निकलने वाला, ये क्या हो जाएगा? एब्सकोंडर, एब्सकोंडर जो कि सीक्रेट रूप से कानून से पकड़ में, कानून के पकड़ में आने के लिए भागता फिरता हो रहा हो, वो क्या होता है? एब्सकोंडर। तो ये पांच हो गए। टू की ऑफ दी थ्रोन वोलेंटरली स्वेच्छा से पत्यागना एट दी गेट, फियर ऑफ वाथिंग श्रान शेटर एग्रोटोफोबिया, टू डू अवे विद होली पूरी तरह समाप्त करना अबोलिश, टू शॉर्टन इन साइज और लेंथ संक्षिप्त करना या छोटा करना एवरेज, वन हू रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड अरेस्ट कानून की पकड़ से पकड़ में आने से भाग निकलने वाला क्या होता है? एब्सकोंडर। हमारा नेक्स्ट है हमारा सिक्स, एन एसोसिएट इन क्राइम, एन एसोसिएट इन क्राइम किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी, एन एसोसिएट इन क्राइम किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी, तो ये हो जाएगा एकॉम्प्लाइस, एकॉम्प्लाइस। हमारा नेक्स्ट है नीडल शेप्ड, नीडल शेप सुई की तरह नुकीला, नीडल शेप्ड सुई तीखी होती है ना आगे से, नीडल शेप्ड मतलब सुई की तरह तीखा, सुई की तरह तीखा या नुकीला, इसको बोलते हैं एक्रोज। नेक्स्ट हमारा पैथोलॉजिकल फियर ऑफ है, फियर ऑफ है हाई प्लेसेस, ऊंचाई से डर लगना, ऊंचाई या हवा से अतार्किक भय,
है तार्किक है भय। तो देखो फियर शब्द आ गया फिर से, पैथोलॉजिकल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचाई से डर लगना, तो ये हो जाएगा एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट, हैज बिकम डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन समथिंग, समथिंग और ड्रग्स, वह व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती है, लत लग जाती है, तो क्या होता है, हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, तो हो जाएगा एडिक्ट, एडिक्ट होना, लत लगना। हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, हैविंग फिजिकल और मेंटल स्किल, मतलब खुशल, डेक्ट्रस, तो इसका क्या हो जाएगा, हैविंग फिजिकल और मेंटल स्किल्स, एड्रॉइट, एड्रॉइट, एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी, एकोपलाइज, नीडल शेप्ड, सुई की तरह तीखा या नुकीला, एक्रोज, पैथोलॉजिकल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचाई हवा से अतार्किक भय, एक्रोफोबिया, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वह व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती है, एडिक्ट, हैविंग फिजिकल और मेंटल स्किल्स, खुशल मतलब डेक्स्ट्रस या एड्रॉइट, हैविंग स्किल्स, हैविंग फिजिकल और मेंटल स्किल्स, एड्रॉइट। हम चलते हैं आज हमारे आज के एंटोनियम सिनोनियम की तरफ, आप हर रोज 10-10 करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, पेपर तक है काफी समय है, ये सब चीजें आपके आराम से कवर हो जाएगी। सिनोनियम, पहला है हमारा अबेंडन, अबेंडन का त्याग देना, त्याग देना या छोड़ना, या छोड़ना, तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी आया था ये, तो गिव अप, गिव अप, फॉरसेक, फॉरसेक या लीव, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जो पहला था हमारा, तो वो आया था टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरली, स्वेच्छा से पद का त्याग करना, तो इसमें अबेंडन आया त्याग देना, गिव अप, फॉरसेक और लीव। हमारा नेक्स्ट है
एब्रीविएट कम करना या छोटा करना, कम करना या छोटा करना। तो ये भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आया था, कम करना या छोटा करना, उसका मैंने क्या बताया था, एवरेज। एवरेज कम करना या छोटा करना, रिड्यूस और कंडेंस। नेक्स्ट है हमारा एबेस। नीचा करना या अनादर करना, किसी की बेइज्जती करना। तो इसका क्या हो जाएगा, कास्ट डाउन, ह्यूमिलेट, ह्यूमिलिएट, हम्बल और डिसग्रेस। डिसग्रेस करना, नीचा दिखाना। नेक्स्ट है हमारा अबेट। अबेट होता है हटाना या मूल्य कम करना, मूल्य कम करना, घटाना या मूल्य कम करना। डिक्रीज, डिस्काउंट, डिक्रीज, डिस्काउंट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट और मिटिगेट। जो ये मिटिगेट शब्द है ये काफी बार आता है, अबेट हटाना या मूल्य कम करना, तो आप इस शब्द को ज्यादा याद रखना, ये मिलता है आपको ज्यादा, मिटिगेट। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, मिट्टी गेट पर है, मिट्टी गेट पर अगर मिट्टी जाता है तो उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो मिटिगेट है हटाना, अबेट। नेक्स्ट हमारा एबडिकेट। एबडिकेट पद त्यागना, पद त्यागना, पद त्यागना। तो एक तो गिव अप, अबेंडन, रिजाइन, रेपुडिएट, एब्डिकेट पद त्यागना, गिव अप, अबेंडन, रिजाइन और रेपुडिएट। नेक्स्ट है हमारा अबडक्ट। अबडक्ट बहला फुसलाकर या सुसलाकर या अपहरण करना, अपहरण करना। तो किडनैप, किडनैप, हाईजैक, स्टील, और कैप्चर, कैप्चर
अबडक्ट, बेला फुसला कर या अपहरण करना, किडनैप, हाईजैक, स्टील और कैप्चर, ये इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा सेवंथ, एपाथी, एपाथी उदासीनता, उदासीनता। इनसेंसिबिलिटी एंड कंसर्न, इन सेंसिबिलिटी एंड कंसर्न, और कूलनेस, कूलनेस और कोल्डनेस भी बोल सकते हैं इसको, कोल्डनेस। नेक्स्ट हमारा एप्लॉयड, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो एक तो प्रेज, प्रशंसा करना हो गया, प्रेज। एक्सटोल, एक्सटोल और एक्लेम, एक्लेम। इसमें से आपका ये शब्द ज्यादातर आता है एक्सटोल, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? एक्सटोल मीनिंग एक्स्ट्रा टोल, जो कि ज्यादा मतलब लंबा है, उसकी क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है, एक्सटोल अपलोड। नेक्स्ट है हमारे, चलो पहले इसको आपको रिवीजन करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन। अबैंडन है ना, अबैंडन। तो पहला था आपका अबैंडन, त्याग देना है, छोड़ना, गिव अप, फॉरसेक और लीव। दूसरा था एब्रीवेट, कम करना या छोटा करना, एब्रीज, रेड्यूस और कंडेंस। तीसरा था एबेस, नीचा करना या अनादर करना, कास्ट डाउन, ह्यूमिलिएट, हम्बल और डिसग्रेस। नेक्स्ट आपका एबेट, हटाना या मूल्य कम करना, डिक्रीज, डिस्काउंट और सब्ट्रैक्ट और मिटिगेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट पद त्यागना, गिव अप, अबैंडन, रिजाइन और रेपुडिएट। नेक्स्ट आपका एब्डक्ट, बहला फुसला कर या अपहरण करना, किडनैप, हाईजैक, स्टील और कैप्चर। नेक्स्ट आपका एपाथी, उदासीनता, इनसेंसिबिलिटी एंड कंसर्न, कूलनेस और कोल्डनेस। नेक्स्ट आपका एप्लॉयड, प्रशंसा करना, प्रेज, एक्सटोल और एक्लेम। नाइंथ आपका एंटीपैथी, एंटीपैथी घृणा या अनिच्छा, घृणा या अनिच्छा। डिस्गस्ट, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडजॉर्न, एडजॉर्न, टालना या स्थगित करना, टालना या स्थगित करना, स्थगित करना। तो इसका हो जाएगा एक तो पोस्टपोन, पोस्टपोन और डिफर, डिफर।
तो ये थे आपके आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और कुछ सिनोनियम। तो आप इनको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो भी आराम से कवर कर जाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, ये हमारी गारंटी है। तो साथियों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य कैंडिडेट जो कि भर्ती देखने वाले हैं उनको भी शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।